एनआरसी और सीएए को लेकर चल रहा बवाल मोदी और योगी सरकार के जी का जंजाल बन गया है। चारों तरफ फैले भ्रम और डर को दूर करने के लिए दिल्ली में खुद पीएम मोदी ने रैली कर सफाई दी। अब उत्तर प्रदेश के सभी जिलों के डीएम और एसपी ने नागरिकता संशोधन अधिनियम पर जागरूकता फैलाने की कमान संभाल ली है। उर्दू से परहेज करने वाली मोदी और योगी की सरकार को उर्दू भाषा में उम्मीद नजर आई है। आप भी देखिए, आम जनता को जागरूक करने के लिए उर्दू भाषा में हैंडबिल में एक तरफ हिंदी तो दूसरी तरफ उर्दू में संदेश प्रिंट किया गया है। वहीं दूसरी तरफ यूपी में डीएम और एसपी खासकर मुसलमानों की मीटिंग्स कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले में अधिकारियों ने क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। जो फ्राइडे को जो बुलंदशहर में थोड़ी सी घटना हुई थी, वर्तमान में स्थिति बिल्कुल सामान्य है, बिल्कुल सामान्य सब कुछ चल रहा है इसमें। लेकिन फिर भी हम प्रशासन का ये प्रयास है कि जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट है और एनआरसी को लेके जो भी भ्रम की स्थिति बनी हुई है और जो उसको लेके जो अफवाहें चल रही हैं, उसको लेके प्रशासन ने सीधा जो लोगों से आज संपर्क साधा है उसको, और उसके संबंध में जो भी स्पष्ट स्थिति करने की आवश्यकता महसूस की गई है वो आप उन लोगों के सामने रखी गई, और बहुत ही एक स्वस्थ वातावरण में एक कन्वर्सेशन और इंटरेक्शन आज हुआ है। उनके मन में भी जो शंकाएं थी उनके द्वारा प्रस्तुत की गई, उनको भी हमने क्लेरिफाई करा है, और बहुत हद तक सारी शंकाएं जो थी उनका निराकरण आज किया गया। साथ ही उनको अनुरोध भी हम लोगों ने करा है कि आप किसी अफवाह में किसी के कहने में ना आए, आप एक्ट का अध्ययन करें, उसको पढ़ें, और उसके बावजूद भी अगर कोई डाउट लगता है तो जिला प्रशासन के अधिकारी संपर्क करें उसको, और जिससे कि किसी भी आशंका को लेकर या किसी अफवाह को लेकर जनपद की कानून व्यवस्था किसी भी तरीके से प्रभावित ना हो और सब चीज़ सामान्य चलती रहे, शांति व्यवस्था बनी रहे। और वर्तमान में उन लोगों के द्वारा हमें आश्वस्त भी किया गया कि इस तरह की स्थिति अब किसी भी दशा में नहीं होगी, और एज अ टीम प्रशासन और आम पब्लिक शांति व्यवस्था यहाँ पर कायम। बहरहाल सरकार की जागरूकता का असर दिख भी रहा है, उत्तर प्रदेश में व्यवस्था पटरी पर आ रही है। एनडीटीवी भारत के लिए बुलंदशहर से विनोद कुमार की रिपोर्ट। देश दुनिया की ताजा तरीन खबरों से रूबरू होने के लिए सब्सक्राइब कीजिए आपका अपना चैनल एनडीटीवी भारत।